ब्रह्मा की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या भारत अखंड सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महाद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति आत्मान भाव आस्था अपनत्व पूर्वक इस पवित्र तीर्थ में कुंभ के अवसर पर पधारे हैं। भारतवर्ष है, तपस्थली है, दिव्य भूमि है, साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर यहाँ श्री राम कृष्णादि रूपों में अवतीर्ण होते हैं। यह कर्म भूमि है, हमको आपको जो मनुष्य शरीर सुलभ है या केवल भोगायतन ही नहीं अपितु कर्मायतन और ज्ञानायतन भी है। पश्वादि शरीर प्रायः भोगायतन ही होते हैं, लेकिन हम मनुष्यों का शरीर जहाँ भोगायतन है वहाँ कर्मायतन भी है ज्ञानायतन भी है। हम जागरूकता का परिचय दें तो भगवत प्राप्ति में प्रयुक्त और विनियुक्त कर्म और ज्ञान का आलम्बन ले सकते हैं।
कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर जटुत्साहपूर्वक भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान का नाम कर्मयोग है। गीता में कर्मयोग संबंधी जितने भगवान के वचन हैं उन सब को यदि एक वाक्य में गुंफित किया जाए तो यही सारांश प्राप्त होता है। कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर नित्युत्साहपूर्वक भगवदर्थ कर्तव्य बुद्धि से स्वकर्मानुष्ठान समत्व बुद्धि पूर्वक, इसी का नाम कर्मयोग है। कर्म के प्रति आसक्ति न हो, फल के प्रति आसक्ति न हो और अहंकृति भी निबंधन में डालने वाली न हो, बेगार टालने की भावना न हो, धृति और उत्साह भरपूर हो, भगवत प्रीत्यर्थ या भगवदर्थ स्ववर्णाश्रमोचित कर्म का कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान हो, इसी का नाम गीता में कर्मयोग है। यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविध सन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यज्ञ दान तप व्रत आदि जो सत्कर्म हैं अनाशकेन, अगर अनाशक्ति पूर्वक इनका अनुष्ठान सध जाए तब ब्रह्मवेदन की भावना विचार शक्ति का उदय जीवन में सुनिश्चित है। ब्रह्मात्म तत्व के विचार की क्षमता इस प्रकार संभव है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। जब हृदय में असंगता सुप्रतिष्ठित हो जाए, आसक्तियों को छिन्न भिन्न करने में अनासक्ति के बल पर हम समर्थ हो जाएं, उसके बाद भगवत तत्व का परिमार्गण करना चाहिए। आत्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मस्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में, प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्थता का निश्चय जब तक नहीं होता तब तक व्यक्ति को कैवल्य मोक्ष सुलभ नहीं होता। यह एक ऐसी घाटी है, आज न सही एक अरब वर्ष बाद सही, इस घाटी को पार किए बिना कोई भी मुक्त नहीं हो सकता। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद करने में सफल नहीं हो सकता है। मैं बाल्यावस्था में ही इस वेश में आ गया था। किसी एक व्यक्ति ने नैमिषारण्य में पूछ दिया, इतनी त्वरा क्या थी, इतनी जल्दी क्या थी, अभी तो खेल कूद नाच गान का समय है, नाच गान के अनुकूल आयु है। तो मैंने उत्तर दिया, यह एक ऐसी घाटी है कि आप एक अरब वर्ष बाद सही इसको पार करेंगे तभी उद्धार होगा। कोई भी व्यक्ति इस घाटी को तो पार करेगा तभी उसका उद्धार होगा, आज न सही एक अरब वर्ष बाद सही। श्री वल्लभाचार्य महाभाग विशुद्धाद्वैत के पक्षधर थे। विशुद्धाद्वैत माया के द्वार के बिना ही भगवान जगत के रूप में परिणत होते हैं। जगत भगवान का अविकृत परिणाम है। विशुद्धाद्वैत के अनुसार जीव और जगत दोनों रूपों में भगवान की स्फूर्ति है, लेकिन
विशुद्ध अद्वैत के पक्षधर होने पर भी एक बार वे जीवों पर चिढ़ गए और एक विचित्र तथ्य उद्भासित किया। जीवा स्वभावतो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है। विशुद्ध है या दुष्ट है? सिद्धांत की दृष्टि से तो जीव विशुद्ध अद्वैय आत्म तत्व ही सिद्ध है, लेकिन जैसे माँ चिरकर को झुंझला कर बोल दे राक्षस कहीं के, ऐसे ही वल्लभाचार्य महाभाग ने वात्सल्य रस से भावित होकर कह दिया, जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है, सब प्रकार के पापर जलते रहते हैं, बाबा बन जाने पर भी, संत वेश में आ जाने पर भी भगवान का भजन नहीं करते, चेले चेली से फुर्सत नहीं। विचित्र बात, गपाष्टक से फुर्सत नहीं। जीव सब प्रकार के पापर मिलने के लिए सदा तत्पर रहता है, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, ये जीव स्वभाव से दुष्ट है, कष्ट पर कष्ट पाते हैं लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। वृंदावन में एक विधवा महिला थी, उसका एक लौता बेटा अमेरिका में था। उसने क्या किया, किसी क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली, बाद में वो लड़की भी भाग गई तलाक देकर। उस महिला से किसी ने पूछा वृंदावन में, भजन में मन लगता है? उसने गाली दे दी, जो विपत्ति का मारा हुआ ना हो वो भजन करे, जो विपत्ति की मारी हुई ना हो वो भजन करे, मैं तो विपत्ति की मारी हुई हूँ। विचित्र बात है, विपत्ति की मारी हुई हूँ इसलिए भजन नहीं कर सकती। और जब बेटा अनुकूल था तब किसी ने पूछा, मैया भजन होता है, मैं कोई विपत्ति की मारी हुई हूँ कि भजन करूँ? विचित्र स्थिति है, संपत्ति है तो भजन नहीं करना है, विपत्ति है तो भजन नहीं करना। संपत्ति में व्यक्ति कहता है, मैं विपत्ति का मारा हुआ हूँ कि भजन करूँ? विपत्ति की दशा में कहता है, संपत्ति जिसके पास है कोई पीड़ा नहीं, कल कुशल रहता है, वो भजन करे ना, मैं तो विपत्ति का मारा हुआ हूँ, मैं क्यों भजन करूँ, मेरा भजन से क्या लेना देना। जीव स्वभाव से दुष्ट है, अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो उसका भोक्ता बन जाता है, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो उसका भोक्ता बन जाता है, भजन नहीं ही करना। बड़ी विचित्र बात। एक उत्तर प्रदेश में गंगा तट पर बिहार घाट है, वहाँ दंडी स्वामी पूज्यपाद विष्णु आश्रम जी रहते थे। उनका एक शिष्य बीमार पड़ा, अब तक की दशा में था। शिष्य के बेटे ने कहा, महाराज कार्ड लाया हूँ, मेरे पिताजी आपके लाडले प्यारे शिष्य अब तक की दशा में हैं, मेरी भावना है कि आप उनको दर्शन दे दें अंतिम समय में, का क्या बिगड़ता है, चलो। वहाँ गए तो वो जो सज्जन बीमार थे अब तक के दशा में क्या बोल रहे थे बेटे को, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला मांग रहे थे। तो उनके बेटे ने कहा, पिताजी कोका कोला मांग रहे हैं, गुरुजी इनको कोका कोला दूं या न दूं? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल मत दो, मेरी आज्ञा है गंगा जल मुँह में डालो। प्रारब्ध अच्छा था ना, कोका कोला पी के मरना चाहते थे गुरुजी की कृपा से, कोका कोला तो नहीं, गंगा जल मुँह में डाल दिया गया। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अपने पिता के कान के पास मुँह ले जाओ, उच्च स्वर से कहो, पिताजी राम राम कहिए, अंतिम समय है। उसने क्या कहा मालूम है,
बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। इसके बाद दम तोड़ दिया। इतना बड़ा वाक्य बोला, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। ये भी देखा कि राम नहीं कहा जाता। भाग्यशाली इसलिए था कि कम से कम भगवान नाम कान में पहुंच गया। बड़ी विचित्र बात है, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे नहीं कहा जाता। तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। इसके दो अर्थ है, विचारशील बने से जन्म जन्म अनेकों जन्मों तक यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन ऐसा बानक नहीं बनता कि देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण या उच्चारण हो सके। अंतिम समय के नाम स्मरण, भगवत स्मरण का महत्व क्यों है? एक साहित्य का शब्द है, कुंजर शौचवत, कुंजर शौचवत। हाथी स्नान कर लेता है, बाद में सूर्य के द्वारा धूली को लपेट लेता है, तो जीव कुंजर शौचवत भगवान नाम लेता है, नाम के प्रभाव से उसके पाप तो जल जाते हैं, फिर पाप कर बैठता है, पाप के संस्कार बने रहते हैं। लेकिन अंतिम समय में भगवान नाम का महत्व क्यों अधिक है? देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में कदाचित भगवान नाम का स्मरण हो गया, उसके बाद पाप करने का तो अवसर ही नहीं मिलेगा, दम ही टूट गया। अंतिम समय के नाम का स्मरण इसलिए महत्वपूर्ण। लेकिन अंत समय में भगवान नाम लेते बने, इसके लिए जीवन काल में प्रयास पूर्वक भगवान नाम लेने का अभ्यास करें, प्रयास करें, प्रयास पूर्वक भगवान नाम लेते रहें, राम राम कृष्ण कृष्ण। जन्म जन्म मुनि यतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। अंतिम समय में राम भगवान नाम कहते बनता नहीं। दूसरा अर्थ अंत राम कही, कदाचित ऐसा बानक बन जाए कि देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण या उच्चारण हो जाए, तो आवत नहीं, फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। अभ्यास करना चाहिए राम भगवान नाम में, अचिंत्य अमोघ अनंत शक्तियों का सन्निवेश है। राम न सकहि नाम गुण गाई, साक्षात सर्वेश्वर जो सर्वशक्तिमान है नामी, वे भी अपने नाम के गुण को गा दें संभव नहीं, क्योंकि सीमित महिमा हो तो उसका वर्णन कर सकें। असीम महिमा है भगवान नाम की। भगवान और भगवान नाम में क्या अंतर है? भगवान नाम सबको सुलभ, भगवान नाम का आलंबन लेकर ही भगवत तत्व का ज्ञान हो सकता है, भक्ति हो सकती है और भव से वैराग्य भी हो सकता है। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध तीनों भगवान नाम के अधीन है। तो चलते फिरते उठते बैठते नाम लेना चाहिए, राम कृष्ण वामन माधव अच्युत केशव, भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए, नाम लेते। नामाभास भी तार देता है। अजामिल ने संत के अनुरोध से बेटे का नाम नारायण तो रख दिया, लेकिन अंतिम समय में देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में राग के वशीभूत होकर उसने अपने पुत्र की बुद्धि से पुकारा नारायण,
और यह हो गया नामाभास। कहा परंतु उस पापी तापी को लेने के लिए यमदूत आए, उधर भगवान के दूत भी आ गए, तो दोनों में बहुत अच्छा शास्त्रार्थ हुआ, संवाद हुआ। जो वैकुंठ से भगवान के दूत आए थे उन्होंने कहा, इसने तो मेरे स्वामी नारायण का नाम लिया है। यमदूतों ने कहा कि बेटे का नाम लिया है, भगवत बुद्धि से नारायण का नाम नहीं लिया है, तो इस जीव पर हमारा अधिकार है। अंत में क्या हुआ, नामाभास ने भी यमदूतों को भगा दिया और अजामिल कुछ समय के लिए जीवित हो गए। फिर उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, वो जो दृश्य देखा यमदूतों का और भगवान वैकुंठनाथ के पार्षदों का संवाद सुना, उसके वशीभूत होकर उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। उन्होंने भगवान नाम का उच्चारण करना प्रारंभ किया, संकीर्तन करना प्रारंभ किया। भगवान नाम विरक्ति भक्ति और भगवत प्रबोध तीनों में हेतु है नारायण। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध तीनों में भगवान नाम समर्थ है। भगवान नाम के प्रभाव से विरक्ति भी प्राप्त होती है, भव में आसक्ति का क्षीण होना विरक्ति है, भगवत तत्व का विज्ञान भी होता है, भगवान के चरणों में रति भी होती है। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड तीनों से संभावित फल भगवान नाम के प्रताप से प्राप्त हो जाते हैं। कर्मकांड का भी महत्व है, उपासना कांड का भी महत्व है, ज्ञान कांड का भी महत्व है, लेकिन भगवान नाम में वह क्षमता है कि केवल भगवान नाम कर्मकांड से संभावित फल को भी देने में समर्थ है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये योगमात्मविशुद्धये। गीता का 5वां अध्याय 6वां अध्याय। कर्मकांड से प्राप्त फल संभावित फल भी भगवान नाम के प्रभाव से संभव है, उपासना कांड से संभावित फल भी भगवान नाम के स्मरण उच्चारण संकीर्तन से संभव है, और नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नामार्थ का विज्ञान हो जाए तो भव सिंधु सुख भी सकता है। थोड़ा विचार कीजिए, बुरा न मानो होली है। भगवान को आत्मीय मानकर छोड़ दें, आत्मा क्यों माने, भेदवादी द्वैतवादी कह सकते हैं, भगवान हमारे आत्मीय तो हो सकते हैं और हैं, उन्हें आत्मा हम क्यों माने, इसका उत्तर क्या होगा। आत्मा की अपेक्षा आत्मीय में न्यून प्रीति होती है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। ध्यान गया, भगवान आत्मीय हैं, आत्मीय मानकर ही हम भगवान की उपासना क्यों न करें, उन्हें आत्मा क्यों माने, भेदवादी कह सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं हुआ करती, अपितु आत्मा के लिए होती है, अपने लिए होती है, और आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। अन्य अचित पदार्थ अनात्मक प्रपंच जो कुछ शेष, श्री रामानुजाचार्य महाभाग शेष शब्द का बहुत उपयोग करते हैं, और आत्म तत्व जो है वो शेषी है, शेष है जगत, आत्मा है शेषी,
अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं है। एतावता जगत शेष है और आत्म तत्व शेष ही है। भगवान को आत्मा नहीं मानेंगे, केवल आत्मीय मानेंगे, तब भगवान में अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति होगी। इष्ट भी बनाया और अपनी अपेक्षा न्यून प्रीति का विषय बनाया तो भक्ति कैसे पूर्ण होगी। भगवान पर प्रेमास्पद तब तक सिद्ध नहीं हो सकते जब तक हम उनको आत्मी ही नहीं अपितु आत्मस्वरूप भी माने और जाने। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, जगत को मिथ्या क्यों माने, सत्य ही रहने दें। तो एक विचित्र बात है, भगवान नाम का सर्वाधिक महत्व विवर्तवाद के अनुसार ही सिद्ध होता है। ध्यान से सुनिए, भगवान नाम का सर्वाधिक महत्व विवर्तवाद के अनुसार ही सिद्ध होता है। जो जगत को सत्य मानते हैं उनके यहाँ भगवान नाम का सर्वाधिक महत्व ख्यापित नहीं हो सकता। भवसागर चह पार जो पावा था जो पावा, वे भगवान नाम का आलंबन लेकर भवसागर का था प्राप्त कर सकते हैं, भवसागर के पार जा सकते हैं। लेकिन नाम ले तो भवसिंधु सुखा ही, करो विचार सुजन मन माही। विचार पूर्वक भगवान नाम लेने पर भवसिंधु सूख सकता है, या तो तभी होगा जब या मरु जल नहीं या जल नहीं या तो मरु है, या जल नहीं यह तो मरु है। मरु का विज्ञान होते ही, मरु नाम के माध्यम से मरु का विज्ञान होते ही बिना यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक विधा के अगाध जल राशि सूख जाती है। तो नाम लेत भवसिंधु सुखा ही, नामी भगवान जगत के अधिष्ठान स्वरूप हैं, अधिष्ठानात्मक उपादान हैं। ऐसा बोध होने पर, भगवान नाम का आलंबन लेने पर, नामार्थ का विज्ञान हो जाने पर भवसिंधु सूख जाएगा। अगर जगत को सत्य मानते हैं तो भगवान नाम का महात्म्य भी सर्वाधिक नहीं व्यक्त हो सकेगा। भवसिंधु को पार करने की योग्यता शक्ति है, थाह पाने की भवसिंधु कि था पाने की योग्यता शक्ति है। भवसिंधु सूख जाए ऐसा तभी संभव है जब हम जगत को मिथ्या माने, भगवत तत्व का विवर्त माने। बौद्धों के मिथ्यात्व में, वेदांतियों के मिथ्यात्व में बहुत अंतर है। बौद्धों का मिथ्यात्व जो है वो साहित्यिक नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ, उनके यहाँ तो नैजात्म्यवाद है, प्रतिषेध ही प्रतिषेध है, कोई तत्व हाथ लगने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ जब जगत को हम मिथ्या कहते हैं तब क्या होता है, जगत को मिथ्या कहते हैं तो जगत को शाश्वत स्वरूप देना चाहते हैं। क्या अर्थ हुआ, जगदीश्वर रूप से ब्रह्म रूप से स्थिर सत्व देना चाहते हैं। अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है, अधिष्ठान शेष अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। जब हम जगत को मिथ्या कहते हैं तो इसका अर्थ है उसे ब्रह्म रूप से सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। हमारा मिथ्यात्व लालित्य संपन्न है, साहित्यिक है, किसी के अस्तित्व का अपहरण का द्योतक नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व में चार चांद लगाने का, उसे स्थिर जीवन प्रदान करने का प्रकल्प है सनातनियों का, वैदिकों का, वेदांतियों का मिथ्यात्व शब्द। कुछ लोग चिढ़ते हैं और क्या कहते हैं, शंकराचार्य ने लिख दिया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो मुझे हंसी आती है। मैं चुटकी तो लेता नहीं, किसी की आलोचना भी करता नहीं, समीक्षा करता हूँ तो जहाँ तक उसके सिद्धांत का आलम्बन लेकर पहुँचा जा सकता है पहुँच लो, आगे का और मार्ग प्रशस्त करो।
लेकिन उनको ज्ञान नहीं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यह शंकराचार्य का वचन होने पर भी मूल वचन उनका नहीं है, निरालंबोपनिषद है यह। जो व्यक्ति अष्टोत्तर शत को तो प्रमाण मानेंगे ना उपनिषदों को, अष्टोत्तर शत उपनिषद को, मुक्तिकोपनिषद में जिन उपनिषदों का उल्लेख है उनको तो प्रमाण मानेंगे ना। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या शंकराचार्य ने उद्धृत किया है, शंकराचार्य का बनाया हुआ यह वचन नहीं है, यह तो निरालंबोपनिषद का वचन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या अजीवो ब्रह्मैव, यह भी शंकराचार्य का अपना वचन नहीं है, शुक्रास्योपनिषद का है। हंसी तब आती है मन ही मन, उपनिषदों का जिन्होंने विधिवत अध्ययन नहीं किया वे शंकराचार्य के सिद्धांत पर आक्षेप करते हैं, उनके सामने अगर उपनिषद रख दें तब बोलती बंद हो जाएगी। मैं एक संकेत करता हूँ, सामान्य संस्कृत का ज्ञान हो, एक बार कोई अष्टोत्तर शत उपनिषद मूल मूल पढ़ ले, कोई भाष्य आदि की आवश्यकता नहीं है, उसके बाद वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य जी ने जो तथ्य ख्यापित किया है वही औपनिषद सिद्धांत। ऊंची बात क्या है, अपनी मान्यता के अनुसार अपने प्रस्थान की सीमा में जब वैशेषिक नैयायिक सांख्यवादी योगी मीमांसक इतर वेदांती औपनिषद सिद्धांत को पूर्व पक्ष बनाते हैं तब उस वही पूर्व पक्ष सिद्ध होता है जिसे शंकराचार्य जी ने उत्तर पक्ष के रूप में ख्यापित किया। इसका अर्थ क्या है, सांख्यों ने योगियों ने और मीमांसकों ने पूर्व पक्ष के रूप में, वैशेषिकों ने नैयायिकों ने पूर्व पक्ष के रूप में उपनिषदों का सिद्धांत जो अभिव्यक्त किया है वही तो शंकराचार्य ने उत्तर पक्ष के रूप में ख्यापित किया है। इसका मतलब अन्य दार्शनिक जो हुए हैं वेदों को प्रमाण मानने वाले, उन्होंने जो उपनिषदों का सार समझा वही वस्तुतः सार है, और कोई सार हो ही नहीं सकता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया, उपनिषदों का तात्पर्य क्या है, किसी के अस्तित्व का फरण नहीं, हर वस्तु को स्थिर सत्ता प्रदान करना, पार्थिव प्रपंच का उदय स्थान निलय स्थान विलय स्थान पृथ्वी है, इसे कौन नहीं मानेगा, दार्शनिक नहीं मानेंगे, वैज्ञानिक नहीं मानेंगे क्या, और गणितज्ञ नहीं मानेंगे क्या। गणित की दृष्टि से भी विचार करें तो 9 के पूर्व का अंक कौन होगा उससे एक न्यून 8, 8 के पूर्व का अंक कौन होगा उससे एक न्यून 7, 7 का पूर्व अंक कौन होगा पूर्वांक 6, 6 का पूर्वांक 5, 5 का पूर्वांक 4, 4 का पूर्वांक 3, 3 का पूर्वांक 2, 2 का पूर्वांक 1, 1 का पूर्वांक 0, 0 का पूर्वांक कोई नहीं, आदिम अंक है प्रथम अंक, मूल का मूल नहीं होता, शून्य से नीचे कोई संख्या हो ही नहीं सकती, -1, 2, 3, 4 आदि लिखते हैं आजकल 1, 2, 3, 4, तो मूल अंक अगर 1, 2 आदि है ही नहीं तो -1 कैसे बनेगा जी, ऋण घटित माइनस चिन्हित मूल अंक नहीं हुआ करता है। इसलिए अगर शून्य से भी नीचे कोई अंक माना जाए तो हमने अपने गणित के ग्रंथों में 28 दोष दिया है, 1, 2 नहीं, 28 दोषों की उद्भावना की है, शून्य से न्यून अंक कोई हो ही नहीं सकता। तो कल भी मैंने कहा था निर्विशेषता की अवधि शून्य है गणित में, निर्विशेषता की अवधि को अभाव समझना अज्ञता है। वेदांत प्रस्थान में भी मूल तत्व वही है जो निर्विशेषता की अवधि है,
वो परब्रह्म परमात्म तत्व है, निर्विशेषता की अवधि, पांच गुणों से युक्त पृथ्वी का उपादान वही हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो। चार गुणों वाला जल, जल का उपादान वही हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो। तीन गुणों वाला अग्नि तत्व, अग्नि का उपादान वही हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो। दो गुणों वाला वायु तत्व, वायु का उपादान वही हो सकता है जो सन्निकट निर्विशेष हो। एक गुण वाला आकाश तत्व, हमने क्या संकेत किया। अब एक गुण वाला जो आकाश है उसका उपादान वही हो सकता है जो सर्वथा गुण रहित हो, निर्गुण हो, निर्विशेष हो, आत्मतत्व। यह हुआ गणित का प्रस्थान, कल मैंने यही छोड़ा था। और कृषि विज्ञान के अनुसार शब्द बीजात्मक हो अव्यक्त, शब्द गुण विशिष्ट आकाश होता है, तो शब्द बीजात्मक हो अव्यक्त वही आकाश का मूल हो सकता है। अव्यक्त का मूल कौन हो सकता है? निर्वीज, निर्वीजावस्थापन अव्यक्त, सनातन अव्यक्त, अक्षर अव्यक्त, आत्म तत्व, परमात्म तत्व, निर्विशेषता की अवधि, यही तत्व निर्णय की समीक्षा है। निर्विशेषता की अवधि को मूल तत्व मानना चाहिए, सविशेषता की अवधि को अंतिम तत्व मानना चाहिए। अगर मूल कोई प्राप्त ही ना हो और अंतिम कोई प्राप्त ही ना हो तो अनर्गलम प्रलाप, शून्य से भी नीचे कोई अंक मानेंगे तो गणित उन्मत्तों का प्रलाप होगा। इसलिए क्या आदि और अंत कहीं तो होना चाहिए ना। विशेषता में वृद्धि ना हो तो अंतिम, और निर्विशेषता की अवधि हो तो प्रथम। निर्विशेषता की अवधि को ही तत्व माना जा सकता है। विशेषों के जितने पक्षधर हैं, निर्विशेष के बिना विशेष की सत्ता ही संभव नहीं है। सविशेषों का पर्यवसान निर्विशेष में ही हो सकता है, यही वेदांत का सिद्धांत है। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? वेदादि शास्त्र सर्वमत कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड को न माने, आजकल यही है ना फैशन। इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में हम वेदादि शास्त्रों को क्यों माने? इनकी उपयोगिता क्या है? वो समझते नहीं कि रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल की संरचना ही वैदिक सिद्धांत के आधार पर हुई। कोई भी प्रशस्त वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि हम ईश्वर को क्यों माने, परमात्मा को क्यों माने, वेदों को क्यों माने। हमने तो वेदों पर गोष्ठी की है, 54 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, यांत्रिक विधा से 204-5 वक्ताओं ने अपने भावों को व्यक्त किया है। श्री पीसी झा जी ने समायोजन किया था बहुत परिश्रम पूर्वक। तो हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कोई भी तो वैदिक दर्शन को कोसता नहीं, वैदिक विज्ञान को कोसता नहीं, क्योंकि एक विचित्र बात है। विचित्र बात क्या है? तत्व पक्षपातो ही स्वभावो धियाम, बुद्धि का, जीव का, जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का, सत्य का पक्षधर होना। सन्निकट निर्विशेष ही कारण हो सकता है, सन्निकट सविशेष ही कार्य हो सकता है। कार्य और कारण का अंकन इसी सिद्धांत के आधार पर ब्रह्मसूत्र में किया गया है। सन्निकट सविशेष का नाम कार्य, सन्निकट निर्विशेष का नाम कारण। निर्विशेषता की अवधि आत्मा, उससे प्रथम सविशेष अव्यक्त की प्रकृति की प्रदान की या माया की अभिव्यक्ति महासर के प्रारंभ में, उससे फिर आकाश की अभिव्यक्ति एक गुण संपन्न, उससे फिर वायु की अभिव्यक्ति, वायु से फिर तेज की अभिव्यक्ति, तेज से जल की उत्पत्ति, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी विशेषता की अवधि है, पांच गुणों से संपन्न है। छठा कोई गुण हो नहीं सकता, क्योंकि अगर छठा गुण होता तो छठे गुण को ग्रहण करने के लिए हमारे पास पांच ज्ञान इंद्रियों के अतिरिक्त कोई छठी ज्ञान इंद्रिय भी होती।
हमारे पास प्रयोगशाला है, पांच ही गुण हो सकते हैं, कार्य कोटि प्रविष्ट पांच ही तत्व तो हो सकते हैं। गुण तो द्रव्य के समासित रहेगा ना, पांच ही गुण है। क्यों? पांच ही ज्ञान इंद्रियां हैं। अगर कोई छठा गुण होता तो छठी ज्ञान इंद्रिय भी हमको प्राप्त होती। तो कार्य कोटि प्रविष्ट छह ही तत्व तो हो सकते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आकाश वायु अग्नि तेज जल पृथ्वी, आरोह क्रम अवरोह क्रम। छठा तत्व कौन होगा? जो बीज है, आकाश का बीज, शब्द गुण का बीज अव्यक्त। सातवां तत्व होगा निर्विशेषता की अवधि, निर्बीज। जैसे कल मैंने कहा कि जौ गेहूं मटर आदि में जो अंकुरोत्पादनी शक्ति होती है, बीज के भून देने पर या घून लग जाने पर वो समाप्त हो जाती है, तो बीज पृथ्वी के रूप में ही अवशिष्ट रहता है। संस्कार विहीन निर्बीज अव्यक्त का नाम ही ब्रह्म है, आत्मा है। संस्कार विशिष्ट आत्मा का नाम ही अव्यक्त है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? यह संकेत किया कि हर दृष्टि से वैदिक सिद्धांत मानने की आवश्यकता है। अगर कोई कहे कि तत्व की दृष्टि से हम वैदिक सिद्धांत क्यों माने, तो भटकते रहिए। आजकल केमिस्ट्री वाले 120 तत्व मान चुके हैं, आगे बढ़ते रहिए, भटकिएगा। उनके पास कोई ऐसी सामग्री नहीं है, कसौटी नहीं है कि तत्व की संख्या इससे कम या अधिक नहीं हो सकती है। तो फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, भौतिक विज्ञान को भी, रसायन शास्त्र को भी मार्गदर्शन देने की क्षमता वैदिक सिद्धांत में है। गणित में जितनी दिशाहीनता है उसको भी दूर करने की क्षमता दर्शन शास्त्र में। एक विचित्र बात है, कल भी मैंने कहा था, गणित में विसंगति के कारण वैज्ञानिक भी विसंगति से युक्त है। विज्ञान का मूल है गणित, और गणित में ही अगर त्रुटि आ गई तो गणितज्ञ ही वैज्ञानिक हो सकता है। जो वैज्ञानिक गणितज्ञ नहीं होता वो वैज्ञानिक नहीं होता, इंजीनियर आदि नकलची होता है। मूल वैज्ञानिक तो वही हो सकता है जो गणितज्ञ हो, और गणितज्ञ होगा कब? जब गणित में निर्दोषता हो। आज का गणित तो सदोष है, क्योंकि शून्य से भी न्यूनांक की सिद्धि आजकल गणितज्ञों के जीवन में है। तो गणित ही आजकल दिशाहीन है, तो वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी दिशाहीन है। इसलिए इस प्रकार की सभा, इस प्रकार की गोष्ठी का क्या उपयोग है? कोई कह सकते हैं जी, इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में, मैंने कई बार कंप्यूटर का नाम लिया, कंप्यूटर भी गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है। ये जो कंप्यूटर है ना, कहाँ की देन है? गोवर्धन मठ पूरी पीठ की देन है। इसको ये 143वें शंकराचार्य जो हुए श्री भारती कृष्ण जी महाराज, उन्होंने बाइनरी सिस्टम विश्व को दिया, वैदिक मैथमेटिक्स दिया। उनके जो शिष्य, जो प्रशिष्य विदेशी हुए, उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी, कंप्यूटर की संरचना किन्होंने की? उन विदेशी वैज्ञानिकों ने की जो भारती कृष्ण जी महाराज के शिष्य और प्रशिष्य थे। भारती कृष्ण जी महाराज के द्वारा जो वैदिक मैथमेटिक्स का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, उसी के आधार पर उन्होंने कंप्यूटर की रचना की। बाइनरी सिस्टम पर हमारे कई ग्रंथ हैं, उसका हमने नाम रखा द्वयंक। जितनी भी संख्या होती है उसका पर्यवसान शून्य और एक में हो जाता है। कंप्यूटर की संरचना की आधारशिला बाइनरी सिस्टम है, शून्य और एक में ही सबका पर्यवसान हो जाता है। हमने संकेत किया, एक विभीषिका पैदा हुई, दो प्रकार के व्यक्ति हुए। एक प्रकार के व्यक्तियों ने कहा कि जब वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है, तो रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल आदि के ये सिद्धांत को ढूंढना वेदों में प्रलाप है, किसी को अनावश्यक महत्व देना उचित नहीं।
ठीक है, किसी की क्षमता के अनुरूप उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जिसमें जो चीज़ नहीं है उसमें वो चीज़ मर देना उचित नहीं। वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में सन्निहित है, उसमें रॉकेट आदि के विज्ञान को ढूंढने की क्या आवश्यकता है। पुरानी विचारधारा प्रायः यही है, बुरा न मानो होली। लेकिन मेरा इसमें कथन यह है, ये तो माना न कि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में, तो ब्रह्म जो है वेदोक्त वो है क्या? जगत का निमित्त और उपादान दोनों कारण है, मेकर और मैटर दोनों है या नहीं? यही बात जाके खुल जाती है। धर्म के संबंध में वेद तो प्रमाण है ही, क्योंकि धर्म क्या होता है? भव्य अनुष्ठेय साध्य, उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति नहीं होती। 1000 देवियों को खड़ी कर दें, यह माता है, कैसे निर्णय करेंगे? शास्त्र सम्मत दृष्टि नहीं होगी तो यह मेरी माँ है कैसे कहेंगे? स्त्री शरीर में लिखा है माँ, नहीं लिखा है ना। मैं एक वाक्य बोलता हूँ, ज्ञान चक्षु समन्वित दिव्य चक्षु भावित चर्म चक्षु के द्वारा किसी स्त्री में मातृबुद्धि होती है। किसी स्त्री को माता समझते हैं, किसी मातृशक्ति महिला का शरीर है, उनमें तीनों चक्षुओं का सन्निवेश होता है। ज्ञान चक्षु समन्वित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा स्त्री शरीर में मातृबुद्धि हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। हाँ, गीता में 3 चक्षुओं का वर्णन है, न तो माम शक्य से दृष्टु मने नैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ईश्वरम। स्वचक्षु दिव्य चक्षु, 2 चक्षु का तो नाम लिया भगवान ने। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, 15वां अध्याय। 13वां अध्याय का अंतिम श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्त्रणं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम ज्ञान चक्षुषा। गीता में 3 चक्षु का वर्णन है, स्वचक्षु हमको आपको प्राप्त है, दूसरा चक्षु दिव्य अर्जुन को भगवान ने दिया अपने विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए। भगवान श्री कृष्ण वेद कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य चक्षु प्रदान किया, दिव्य शक्ति भी, आकाश आदि गमन की योग्यता भी निश्चित समय के लिए प्रदान की। दिव्य चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु हो, और यह ज्ञान चक्षु है। गीता में 3 चक्षु का वर्णन, एक मातृ एक स्त्री के शरीर में मातृबुद्धि में तीनों चक्षु काम करते हैं, ज्ञान चक्षु समन्वित दिव्य चक्षु भावित स्वचक्षु के द्वारा किसी स्त्री शरीर में मातृबुद्धि बनती है, माता का दर्शन होता है। हमने क्या संकेत किया? धर्म वेदिक समाधिगम्य है, लेकिन ब्रह्म वेदिक समाधिगम्य क्यों? वो तो सिद्ध पदार्थ है, भूत पदार्थ है, उसमें तो तर्कणा शक्ति आदि के भी स्वतंत्र रूप से गति हो सकती है। इसका उत्तर क्या है? माना कि धर्म वेदिक समाधिगम्य, भाई बहन का विवाह वर्जित क्यों? अमुक माता क्यों? वेदिक समाधिगम्य धर्म है। अमुक याग का फल पुत्र कैसे? पुत्रेष्टि याग। अमुक याग के फल स्वरूप वर्षा की प्राप्ति किस प्रकार? कारिरी याग। अमुक याग के फल स्वरूप देहत्याग के बाद समय आने पर ब्रह्मा का पद मिलेगा। आज जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, पूर्व कल्प में उन्होंने क्या किया था? अश्वमेध याग किया था। अश्वमेध याग के देवता कौन है? प्रजापति। प्रजापति की आराधना की थी, कस्मै देवाय विषाविधेमः। पहले उपासक थे, आज वो ब्रह्मा जी के पद पर प्रतिष्ठित हैं, बहुत ऊंची बात। कल भी मैंने कहा था, कल भी मैंने कहा था
ये हम आप जो है ना मनुष्य लोक में भारतवर्ष में बृहद भारत में यही चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कोई कहीं देव दिव्यता है, चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं दिव्यता है, वो दिव्यता वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण है। क्या ध्यान गया? भाषा समझ पा रहे होगी ना? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है, वो दिव्यता वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड के कारण है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने वेदांत उपनिषद के भाष्य के प्रारंभ में एक तथ्य उद्भाषित किया, वेदादि शास्त्रों को हम क्यों माने, क्या व्यवस्था है, न मानने पर क्या घाटा है। बहुत अच्छा उत्तर दिया, निसर्ग सिद्ध कर्म ज्ञान में दिव्यता लाने की भावना से अपने प्राप्त देहात्म भाव भावित ज्ञान और कर्म को विशद करना चाहते हो, अपने ज्ञान और कर्म से स्वयं लाभान्वित होकर अन्यों को भी लाभान्वित करना चाहते हो, तो अपने ऊपर कृपा करके वेदादि शास्त्रों को मानिए। वेदादि शास्त्रों की प्रामाणिकता को जो स्वीकार नहीं करेगा वो इंद्रिय तादात्म्यपन्न होगा, और इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक है, बुरा न मानो होली है। कहाँ लिखा है? हमारा आपका अनुभव है। और छांदोग्य श्रुति के आठवें अध्याय के भाष्य में भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने लिखा, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक, मन की गति भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। कल मैंने संकेत किया, वेदों की गति तीनों कालों में है, और वेद की प्रतिष्ठा मन में ही क्यों है तैतृय उपनिषद के अनुसार, क्योंकि मन और वेद दोनों का लक्षण एक है। काल गर्भित वस्तु में भी मन की गति है, कालातीत वस्तु में भी मन की गति है। काल गर्भित जितने पदार्थ हैं सबके उद्भाषक वेद होते हैं, भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। लेकिन वेदों का बीज कौन है? ओम, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मा, ओम। ओम की महिमा क्या है? मांडूक उपनिषद, यच्चत्र कालातीतम तदप्योंकार एव। काल गर्भित ही नहीं, जो कालातीत पदार्थ हैं उनका अधिगम भी एकाक्षर ब्रह्म वेदसार सर्वस्व वेद बीज ओम के द्वारा होता है। कालातीत कौन कौन पदार्थ हो सकते हैं? अव्याकृत प्रथम कालातीत है आरोह क्रम से, आनंदगिरी आरोह क्रम से अव्याकृत प्रथम कालातीत है, उसके बाद में फिर आत्मतत्व कालातीत है। कुछ भाव काल पर भी बोल दें, कुछ भाव काल पर श्रीमद् भागवत में काल का सबसे सूक्ष्म अंश कौन माना गया? परमाणु काल। आजकल के ज्योतिषियों को परमाणु काल का पता ही नहीं, अंधेरे में ढेला फेंकते हैं। कई ज्योतिषियों से मैंने पूछा, मैं परीक्षा किसी की नहीं लेता, मेरा स्वभाव। और कोई परीक्षा लेना चाहे तो मुझे प्रमाण पत्र नहीं चाहिए किसी से। क्या बहुत परीक्षा की घाटी जन्म जन्मांतरों में पार करके आया हूँ, मुझे किसी से प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, लेकिन मैं किसी की परीक्षा नहीं लेता, मेरा स्वभाव। किसी की परीक्षा लेने की भावना से मैं किसी को प्रश्न नहीं करता, किसी को कभी बुद्धू बनाने का प्रयास नहीं करता, कभी अपने को मैं कुछ जानता हूँ ऐसा मानता नहीं, लगता भी नहीं है कि मैं कुछ जानता हूँ। तो हमने संकेत किया,
काल, परमाणु काल, पृथ्वी जल तेज वायु के जो अतीन्द्रिय परमाणु होते हैं, सूर्य की रश्मि जितनी समय में उसको छेक लेती है उसी का नाम है परमाणु काल। वो परमाणु काल बृहत होता होता परार्ध 1000 परार्ध पर्यंत पहुंच जाता है, आगे भी पहुंचा सकते हैं उसको। ये हुआ काल का कौन सा रूप हुआ व्यावहारिक, पृथ्वी जल तेज वायु भूत चतुष्टय के जो वैशेषिक नहीं वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन आदि के अनुसार ऐसा सूक्ष्मतम विभाग जिसका यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक किसी विधा से और विभाग विखंडन संभव न हो, जो सूक्ष्मता की अवधि है कल्पना कीजिए, उस अवधि को परमाणु को छेकने में सूर्य की रश्मि को जितना समय लगता है उसी का नाम श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद एकादश स्कंद आदि के अनुसार परमाणु काल है। परार्ध बहुत ऊंचा है, एक हजार बार चारों युग चक्कर लगा लें क्या तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे पूर्ण होंगे। ब्रह्मा जी की आयु भी परार्ध है, इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वो 50 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं। ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध है ब्रह्मलोक के अनुसार वे 51वें वर्ष में हैं और मर्त्यलोक की गणना के अनुसार ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु द्विपरार्ध है। द्विपरार्ध का अर्थ क्या हुआ, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष, ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार 100 वर्ष, मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष ब्रह्मा जी की आयु होती है। ब्राह्मणों द्वितीय परार्ध्य काल की बात में कह रहा था, परमाणु काल से लेकर द्विपरार्ध पर्यंत 1000 परार्थ 1 करोड़ पदार्थ ले परार्ध लेते जाइए जहाँ विस्तृत करना चाहें जितना। लेकिन काल का मौलिक स्वरूप क्या है, कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध स्कंद पुराण। मुस्कान इसलिए कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, मैं भी भाग्यशाली हूँ, आपको जो सुना रहा हूँ सब शांत होकर सुन रहे हैं, एक क्षण में मिल जाएगा ये ज्ञान कहीं बटोरने पर, ये सब प्राप्त बहुत सुख ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। शास्त्रों को पढ़ के अपनी ओर से ये सब निकालें बहुतों को तो ब्रेन हेमरेज ही हो जाएगा। हम लोगों को गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से जो अद्भुत रत्न प्राप्त होते हैं, आप लोगों को एक घंटा में जितना हम लोग दे देते हैं वो आप अपनी ओर से शास्त्रों में डुबकी लगा कर प्राप्त करना चाहें, ब्रेन हेमरेज ना भी हो तो 50 जन्म तो चाहिए, कम से कम 50 वर्ष तो चाहिए। इसलिए बहुत तत्परता पूर्वक इस प्रकार के सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। नाच गान का भी महत्व है, पर नाच गान की बात नहीं, जीवन की जगत की सारी गुत्थी जिससे सुलझ सकती है वो विधा है, यहाँ उसी का प्रतिपादन होता है जिससे जीवन और जगत की गुत्थियाँ सुलझ सकती हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे, कालो मायात्म संबंधात, कालो मायात्म संबंध स्कंद पुराण में काल को परिभाषित किया गया। विवक्षावसात, दो का जो संबंध होगा उससे तीन की सिद्धि होगी या नहीं, एक संबंध हो गया और दो मिल गए तीन की सिद्धि हो गई, यह ना होता तो संबंध ही कैसे होता। इसीलिए आत्मा या ब्रह्म का नाम काल है, माया का नाम काल है, दोनों के संयोग का नाम काल है।
काल को हम तीनों ढंग से परिभाषित कर सकते हैं। आत्मा अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और माया के संयोग का नाम काल है। कालो मायात्म संबंधात पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया स्कंद पुराण ने, लेकिन टीकाकार माधवाचार्य विद्यारण स्वामी जी ने कर दिया कालो मायात्म संबंध, यूँ परिभाषा संबंधात को संबंधा कर दिया। अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तात्पर्य कही है कालो मायात्म संबंध। माया और आत्मा का संयोग मूल काल है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि वावपि यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्र के संयोगात् तद् विधिवर्तन सभ। तो कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे कि भगवत कृपा से भारतवर्ष में जन्म हुआ है, और भारतवर्ष में जो सत्पुरुष जन्म लेते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करते हैं, वे वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड का जो पालन करते हैं, उसी के प्रभाव से चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कहीं भी दिव्यता प्राप्त है। मोदी जी सुन लीजिए, वेदादि शास्त्रों को प्रमाण न माने, केवल अपनी बुद्धि के बल पर भूमंडल छोड़ दीजिए, केवल भारत ले लीजिए या पूरा भूमंडल ले लीजिए, इसको आप विकसित करने का प्रयास कीजिए। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा का सिद्धांत का परित्याग करके अपनी मेधा शक्ति के बल पर कोई भूमंडल को परिष्कृत करना चाहे तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही भूमंडल होगा। वेदादि शास्त्रों की महिमा क्या है? वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत को न मानने पर नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही हमारा जीवन होगा, भूमंडल होगा। विश्व में जहाँ कहीं कोई चमत्कृति है वो वेदादि शास्त्र सम्मत सिद्धांत के कारण है। इसलिए इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी वेदादि शास्त्र के सिद्धांत को जानने वालों का सर्वाधिक महत्व है, हमने संकेत किया। विज्ञान को दिशा देने के लिए गणित को व्यवस्थित करना पड़ेगा, और गणित को व्यवस्थित करने के लिए दर्शन शास्त्र का ज्ञान गुरु परंपरा से पर्याप्त तो होना चाहिए। दर्शन विज्ञान में दिशाहीनता है गणित के कारण, और गणित में दिशाहीनता है शून्य का विधिवत ज्ञान न होने के कारण। शून्य का विधिवत ज्ञान न होने के कारण गणित में दिशाहीनता है। तो हमने बताया था कंप्यूटर जिन्होंने विश्व को दिया वो कौन थे? श्री भारती कृष्ण महाभाग के शिष्य प्रशिष्य अंग्रेज लोग, विदेशी। भारती कृष्ण महाराज से उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स का बोध प्राप्त किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हमने कहा है द्वयंग पद्धति। द्वयंग पद्धति का अर्थ होता है किसी भी संख्या का मौलिक स्वरूप शून्य और एक है। सविशेष शून्य का नाम एक है, निर्विशेष एक का नाम शून्य है। निर्विशेष एक का नाम शून्य है, सविशेष शून्य का नाम एक है। ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? फिर आगे शून्य धन एक बराबर एक, एक धन एक बराबर दो, दो धन एक। शून्य धन एक बराबर एक मैंने क्यों कहा? आरोहक क्रम से ठीक से समझ में नहीं आएगा, अवरोहक क्रम से। नौ से एक को ऋण करेंगे तो आठ, आठ से एक को ऋण करेंगे तो सात, सात से एक को ऋण करेंगे तो छः, छः से एक को ऋण करेंगे तो पाँच, पाँच से एक को ऋण करेंगे तो चार, चार से एक को ऋण करेंगे तो तीन, तीन से एक को ऋण करेंगे तो दो, दो से एक को ऋण करेंगे तो एक, एक से एक को ऋण करेंगे तो शून्य, एक से एक को ऋण करेंगे तो शून्य। इसलिए शून्य धन एक बराबर एक,
शून्य धन एक बराबर एक, एक की सिद्धि में भी शून्य का हाथ है। तो मैंने क्या संकेत किया, निर्विशेषता की अवधि शून्य है, लेकिन निर्विशेषता की जो अवधि होती है, कल भी हमने यही प्रवचन को विराम दिया था, सविशेष के समाश्रित रहकर ही कोई निर्विशेष अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध कर सकता है। एतावता निर्विशेष अभाव नहीं होता, यहीं पर पूरा विश्व अटका हुआ। निर्विशेष में अभाव बुद्धि बौद्धों को जैसे हो गई। फिर से सुनिए, निर्विशेषता की अवधि ही तत्व है, प्रथमांक भी निर्विशेषता की अवधि शून्य ही है, लेकिन कोई भी निर्विशेष तत्व अपने कार्यभूत किसी न किसी सविशेष के समाश्रित होकर ही अपनी सत्ता को उद्भासित करने में समर्थ होता है और उपयोगिता को स्थापित करने में समर्थ होता है। एक के समाश्रित होगा शून्य तो दस हो जाएगा, दो के समाश्रित होगा तो बीस, तीन के समाश्रित होगा तो तीस। जो मूल अंक है अपने कार्य के समाश्रित, सन घटा सन पटा सन त्यापास्ति भू सन वायु, सब सबका कारण है ना, कारण होकर भी कार्यारूढ़ होकर, धर्मी होकर भी धर्म होकर जब उद्भासित होता है तो व्यावहारिक धरातल पर उसकी सत्ता उपयोगिता होती है। व्यावहारिक धरातल पर निर्विशेष की सत्ता उपयोगिता कब होगी, जब सविशेष के समाश्रित होगा। एक बड़ी विचित्र बात, जो मूल है सविशेषों का मूल है, वह अपने कार्यभूत सविशेष के आश्रित होकर ही लोक में व्यावहारिक धरातल पर अपनी सत्ता और उपयोगिता को सिद्ध करने में समर्थ है। तो हमने संकेत किया, भगवान नाम से प्रारंभ किया था, नाम की सबसे अधिक महिमा कब सिद्ध होगी, जब जगत को मिथ्या मानेंगे, बुरा न मानो होली है, जगत को सत्य मानेंगे तो नाम की सर्वाधिक महिमा सिद्ध नहीं होगी। जो जगत को सत्य मानते हैं उनके यहाँ नाम लेने से जगत सूख नहीं सकता। भवसिंधु का कोई था पा सकता है, भवसिंधु के पार जा सकता है, भवसिंधु उसी के लिए सूखेगा ना जो भव भगवान का विवर्त मानेगा भव को। तो भगवान नाम की सर्वाधिक महिमा विवर्तवाद के द्वारा ही ख्यापित होती है। नाम लेत भवसिंधु सुखा ही, करो विचार सुजन मन माही, नायम सर्प रजुरियम, यह सर्प नहीं है यह तो रस्सी है, रस्सी का नाम ने रस्सी का ज्ञान करा दिया, सर्प अपने आप कहाँ गया, था ही नहीं। मरु जल का नाम लेते ही मरु का विज्ञान होगा, मरु में जल है ही नहीं, मरु मरीचिका सूख गई अपने आप। हमने कहा नाम की सर्वाधिक महिमा जगत को मिथ्या मानने पर ही चरितार्थ है। प्रवचन हमने कहाँ से प्रारंभ किया था, बौद्धों के मिथ्यात्व में अपहरण ही अपहरण है, नैरात्म्यवाद के कारण। हमारा मिथ्यात्व बड़ा ललित है, साहित्यिक है, हमारे मिथ्यात्व के रहस्य को समझने वाला उस पर लोटपोट हुए बिना नहीं रह सकता। कैसे बता दूं, बताया था मैंने 25 मिनट पहले लगभग, पार्थिव प्रपंच को स्थायी स्थिर जीवन देना चाहे तो उसे पृथ्वी मानिए, पृथ्वी को स्थिर जीवन देना चाहे तो उसे जल मानिए, जल को स्थिर जीवन देना चाहे तो उसे अग्नि मानिए, अग्नि को स्थिर जीवन देना चाहे तो उसे वायु मानिए, वायु को स्थिर जीवन देना चाहे तो उसके उपादान आकाश को मानिए, आकाश का मौलिक स्वरूप जानना हो तो अव्यक्त को मानिए, अव्यक्त का भी परमाश्रय निर्विशेषता की अवधि आत्मा को जानिए। हो गई ना बात, इसका मतलब, इसका अर्थ यही हुआ कि विज्ञान की भी पूर्णता दर्शन के बिना संभव नहीं। तो भगवान नाम की महिमा सर्वाधिक तब चरितार्थ होती है जब आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया। साहित्यिक भाषा सुनिए, श्री वैष्णवाचार्य क्या कहेंगे,
आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई। अच्छी बात, हम क्या कहेंगे, भ्रम हो गया है। अंतर क्या हुआ जी, भाषा का ही अंतर हुआ। एक है जरा कठोर, एक है मृदु साहित्यिक भाषा है। आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भावित है। ठीक है, ये कौन कौन सी भाषा हुई, भक्तों की, भक्तों के बीच में बोलना हो आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो रहा है, मारने दौड़ेंगे। उनसे कही आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, आरती उतारेंगे। माता जी दो रोटी, घर से आएगी दो रोटी लेकर, ए मेरे बाप की लुगाई, दो रोटी डंडा लेकर आएगी, मारेगी। भाषा का अंतर हुआ या नहीं। एक बाबा गए, माता जी दो रोटी, वात्सल रस चपकेगा, दो रोटी लेकर आएगी, हाथ भी जोड़ेगी, ए मेरे बाप की लुगाई, दो रोटी डंडा लेकर आएगी, दो रोटी लेकर थोड़े आएगी। तो बात क्या है, भक्तों के बीच में बोलना हो तो आनंद सिंधु में भव सिंधु की भावना हो गई है, सदा तद्भाव भावित है। और दर्शन शास्त्र की दृष्टि से बोलना हो तो आनंद सिंधु में भव सिंधु का भ्रम हो गया है। कहने की शैली में भेद है, घुमा फिरा के अर्थ तो एक ही है। हमारे यहाँ भगवान कौन है, जगत बनते भी हैं, जगत बनाते भी हैं, भगवान ही सर्व रूपों में उल्लसित हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान विज्ञान है, ज्ञान विज्ञान को उन्नत करने के लिए वेदादि शास्त्रों को माने। देहात्म भाव भावित ज्ञान विज्ञान विकसित नहीं होता, इसलिए जितने भौतिकवादी हैं वो महामूर्ख होते हैं, बुरा न मान होली, होते हैं बुद्धू, अपने को मानते हैं बुद्धिमान। कौन भौतिकवादी की क्या पहचान है, हो बुद्धू माने अपने को बुद्धिमान। भौतिकवादी बुद्धू क्यों होता, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, इंद्रियात्मवादी होते हैं, चेतना विशिष्ट शरीर का अर्थ ही है इंद्रियात्मवादी होना। देहात्मवादी भी बिना इंद्रियात्मवादी हुए कैसे होगा, सबको लेकर आत्मबुद्धि थोड़े बनेंगे। चेतना कहते इंद्रिय का ग्रहण हो गया, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में और कालातीत परमात्मा में भी होती है। इसलिए हमने संकेत किया, अपने ज्ञान विज्ञान को विकसित करने के लिए वेदादि शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकार करना और पुराण आदि के माध्यम से, उत्तम प्रवक्ताओं के माध्यम से वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करना। अगर हम वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड ज्ञान कांड को न माने तो भौतिक विधा से जगत को नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही बनाया जा सकता है, जैसे कि कोरोना ला करके नेताओं ने बना दिया। पूरे विश्व में जितने ये विकासवादी हैं सबके विकास का तांडव नृत्य ही कोरोना देवी है। और बनाओ, विकास को कल्पित ढंग से परिभाषित करो, ऊर्जा के स्रोत पृथ्वी पानी प्रकाश पवन को तुम लोगों ने दूषित कर दिया, क्षुब्ध कर दिया, विकृत कर दिया, तो क्या हुआ जी, ये कोरोना प्रकट हो गया। आधुनिक विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का विस्फोटक परिणाम है ये कोरोना। तो हमने संकेत किया, बस दो चार वाक्य कहता हूँ, विकसित देश कौन होगा, विकास को परिभाषित करने के पीछे सतर्कता जागरूकता क्या चाहिए। सृष्टि की संरचना और मानव जीवन की प्राप्ति का जो प्रयोजन है, फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का और मानव जीवन की प्राप्ति का जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन को जो नहीं जानता वो विकास के गर्भ से विनाश ही निकाल सकता है। बुद्धिन्द्रियमन प्राणां जनानाम असजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम चात्मने कल्पनाय च। अकृतार्थ जीवों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासर्ग के प्रारंभ में
आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से मंडित सृष्टि की संरचना की और अनुग्रह पूर्वक अकृतार्थ जीवों को देहेंद्री प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। तो आज के प्रवचन का सार क्या निकला? सृष्टि की संरचना का प्रयोजन जिनको पता नहीं है, एक मानव जीवन की सार्थकता कैसे होगी इसका पता नहीं है, अंधेरे में ढेले फेंकते हैं, विकास के नाम पर विनाश तक ही पहुंच सकते हैं। तो सार क्या निकला? इस कलिकाल में भी, रॉकेट कंप्यूटर एकता मोबाइल के युग में भी, अगर कोई भौतिकवादी जो कि इंद्रियात्मवादी होता है अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहे तो वेदादि शास्त्रों का आलंबन लेना ही चाहिए। भौतिकवादियों को कितने शाप प्राप्त हैं जी? पहला शाप क्या प्राप्त है? किसी भी भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते। भौतिकवादी में क्षमता है भेद का सदुपयोग करने, और भेद का उपयोग करके निर्भेद तक पहुंच नहीं सकते। दो साफ हो गया भौतिकवादियों, ये जितने भौतिकवादी अभिशप्त हैं इनको साफ प्राप्त है। ऐ भौतिकवादी, किसी भी भेद के सदुपयोग की क्षमता तुझ में नहीं होगी और भेद का लंबन लेकर निर्भेद तत्व तक पहुंचने की क्षमता तुझ में नहीं होगी। हो गया ना, इससे अधिक क्या साफ हो? और भी साफ, करते रहो करना कभी पूरा नहीं होगा, बटोरते रहो सिकंदर के समान कब्रिस्तान खुदवा खुदवा कर हीरे जवाहरात बटोरते रहो, पाना कभी पूरा नहीं होगा। सारे विश्व को पढ़ते रहो, विश्व में जितने पुस्तकालय हैं उनकी सब पुस्तकों को रट जाओ, जानना पूरा नहीं होगा। कर्तव्य का, प्राप्तव्य का, ज्ञातव्य का अंत बिना अध्यात्म का आलम्बन लिए संभव नहीं होगा, ये हमने कहा। आज का प्रवचन का प्रारंभ हुआ था ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। लोगों को भ्रम है कि आदि शंकराचार्य का यह वचन है, और भाष्य में उद्धृत किया है उन्होंने, निरालंबोपनिषद का वचन है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगन मिथ्या का अर्थ क्या हुआ जी? जगत मिथ्या का अर्थ हुआ ब्रह्म रूप से इसे सत्य सिद्ध करना। सदैव सत्यम पैंगी रहस्योपनिषद का वचन भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में उद्धृत किया है, छांदोग्य सूत्र के छठे अध्याय के भाष्य। सदैव सत्यम, सदैव सौम्यदमग्रासी, तो पैंगी रहस्योपनिषद में सदैव सत्यम, अन्यों में सत्यत उपचरित है, वास्तव सत्य तो सत्य ही है। सदैव सत्यम, उस परम सत्य तक पहुंचाने के लिए आरोपित सत्य का प्रलाप आवश्यक है या नहीं? पार्थिव प्रपंच का प्रलाप करके पृथ्वी, पृथ्वी का प्रलाप करके जल, जल का प्रलाप करके तेज, तेज का प्रलाप करके वायु, वायु का प्रलाप करके आकाश, आकाश का प्रलाप करके अव्यक्त, बीच में दो तत्व टपक पड़ते हैं सांख्यों के यहाँ, कौन कौन? आम तत्व, महत्त्व, ये पालतू हैं या फालतू? गीता में भी है इसलिए हम फालतू तो नहीं कह सकते, लेकिन गणित के दृष्टि से दो तत्व टिक नहीं पाते हैं। आकाश में जब एक गुण है तो आकाश का मूल वही हो सकता है जिसमें कोई गुण ना हो, तो बीच में दो तत्व कहाँ से टपक पड़े? आम तत्व, महत्त्व, फिर तीसरा तत्व अव्यक्त, तीन तत्व नए कहाँ से आ गए? आकाश के ही ये चार रूप होते हैं। कौन कौन? अव्यक्त एक, महत्त्व दो, अहम तत्व तीन, आकाश शब्द तन्मात्र, ये चारों आकाश ही हैं। वैखरी वाक्य सिद्धि आकाश से, मध्यमा वाक्य सिद्धि अहम से, पश्यंती वाक्य सिद्धि महत् से, परा वाक्य सिद्धि किससे? अव्यक्त से, आत्माधिष्ठित अव्यक्त से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। कल भगवत कृपा से 11:30 बजे से विचार गोष्ठी होगी, सायंकाल लगभग 6 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हमारे पहले कई एक दो महानुभाव बोलते हैं, श्री राम, जय राम, जय जय राम। Yeah.
हाँ, एक विचित्र बात है, कथा सुनने वाले प्रायः राष्ट्र के लिए कुछ कर नहीं पाते, ऐसी बीमारी चली है। कथा सुनने और सुनाने की ऐसी धारा चल पड़ी कि ये बिल्कुल बेकार ही माने जाते। कथावाचक बन जाए वो अलग बात है, कथा सुनने वाले न घर में कुछ उपयोगी से धो पाते न बाहर, क्या कारण है? इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया हमने? यह संकेत किया कि प्रथम चरण में भारत नेपाल भूटान हिंदू द्वीप के रूप में ख्यापित हो, द्वितीय चरण में पूरा एशिया महाद्वीप हिंदू द्वीप के रूप में ख्यापित हो, तृतीय चरण में पूरा भूमंडल हिंदू द्वीप के रूप में ख्यापित हो। हमारा लक्ष्य क्या हो? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इसलिए हम एक गीत गाएंगे, लंबा चौड़ा नहीं, केवल एक दो पंक्ति आप दोहराएंगे। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। क्यों कह रहे? कथा सुनने वालों में मानो जान ही नहीं, कुछ करने के लिए राष्ट्र के लिए स्वस्थ क्रांति देने की क्षमता ही नहीं है। कौन सी कथा हुई जी? कथा सुनाने वाले एक छींक कोई मार दे तो घर में भग जाते। वृंदावन में आकर के कोई आतंकवादी दिन में ही छींक मार दे बिना बंदूक के ही आवे, सारे कथावाचक घर में घुस जाते। ये क्या हुआ जी? चलता फिरता आत्मभंग व्यक्ति हो सकता है ना? नैनम छिंदंति शस्त्राणि, और सबसे डरपोक कथावाचक ही होते हैं और कथा सुनने वाले सबसे डरपोक होते हैं। तो इसलिए हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। हमारा प्यारा हिंदू द्वीप, हम हैं इसके प्रहरी और प्रदीप। एक बार नौ वल्लभाचार्य जी, एक मध्वाचार्य जी, एक रामानुजाचार्य जी और एक में शंकराचार्य बड़ोदरा में, फिर बंद कमरे में एक वल्लभाचार्य जी, एक मध्वाचार्य जी, एक रामानुजाचार्य जी, एक मैं। मैंने भारत की अखंडता की चर्चा की तो उन्होंने कहा क्या बोल रहे, दीक्षा देना, उपदेश देना, कथा कहना हमारा काम है, ये सब हमारा काम लो। नारद जी ने क्या कथावाचक नहीं थे क्या? नारद जी स्वस्थ क्रांति के प्रथम पुरोधा कौन है? नारद जी क्या क्या काम किया? नारद जी ने विधर्मियों के और आतंकवादियों के, आतंकवादी के शासनकाल में, अराजकतापूर्ण शासनकाल में, शासक की पत्नी के गर्भ में ही भगवत भक्त को प्रशिक्षित कर दिया, प्रहलाद को। चलता फिरता क्या क्या आत्मबम बना दिया, उसी को आगे करके हिरण्यकश्यपु के शासन को छिन्न करके प्रहलाद को राजा बनाया। यह है कथा, यह है लक्ष्य, यह है स्वस्थ क्रांति का स्वरूप। प्रहलाद को किसने तैयार किया जी? नारद जी ने। आगे भृगु जी ने क्या किया? बैन के शासनकाल में ही ऐसा क्रम बनाया, पुत्रेष्टि याग वैष्णव याग के फलस्वरूप बैन का प्रादुर्भाव हुआ था, उसने बात नहीं सुनी तो हुंकार मात्र से पुर्यष्टक सहित जीव कला को शरीर से कर्षित करके बैन को शव बना दिया। वैष्णवोचित तेज जो उसके भुजदंडों में सन्निहित था, सब का मंथन करके जैसा राजा जैसी रानी चाहिए थी दिया। व्यासपीठ का दायित्व है सबको मंथन करके भी अपेक्षित राजा दे दो शासक। ये भृगु जी ने क्या किया जी? बैन के शब के भुजदंडों का मंथन करके जैसा राजा चाहिए था जैसी रानी चाहिए थी दिया, नहीं पृथ्वी जी को प्रकट किया या नहीं? वशिष्ठ जी ने क्या किया? रावण आदि के शासनकाल में भगवान राम भद्र को अभिव्यक्त किया,
रावण आदि के शासन को निरस्त करके राजाधिराज के पद पर राम जी को प्रतिष्ठित किया। व्यास जी ने क्या किया, कंस आदि के शासन काल में भगवान श्री कृष्ण को और पांचों पांडवों को अभिव्यक्त करने का मार्ग प्रशस्त किया। दुष्टों का दलन करके पांडवों को राजाधिराज बनाया। शंकराचार्य ने क्या किया, बौद्धों के शासनकाल में विप्लवपूर्ण शासनकाल में व्यास गद्दी भी बौद्ध भिक्षुकों के पास, राजगद्दी तो सुधनवा, राजगद्दी पर भी उनका नियंत्रण, व्यास गद्दी पर भी उनका नियंत्रण। लो जी, भगवान शंकराचार्य ने क्या किया, दोनों का शोधन किया। सुधनवा को सार्वभौम सम्राट के रूप में ख्यापित किया और चार आमनाय पीठों की उद्भावना की। योग शिखोपनिषद में जो छह चक्र हैं हमारे शरीर में उसका वर्णन है, उनमें चार चक्र आमनाय पीठ होते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने चार ही पीठों की स्थापना क्यों की, योग शिखा उपनिषद में चार ही आमनाय पीठों की चर्चा है। एक में ऋक्, एक में यजो, एक में साम, एक में अथर्व की प्रतिष्ठा है। योग शिखोपनिषद को उपजीव्य बनाकर तो हम लोगों का कर्तव्य क्या है, अराजकतापूर्ण शासन हो वहीं पर अपेक्षित शासक को प्रकट कर दीजिए और अराजकतापूर्ण शासन को छिन्न करके अभीष्ट शासक को दे दीजिए। व्यास पीठ में ही वो क्षमता है। शंकराचार्य के बाद किसको ले लेंगे, नवरत्न को लीजिए, विक्रमादित्य को खड़ा किया या नहीं, फिर किसको लेंगे जी, चाणक्य जी को लीजिए, चंद्रगुप्त को खड़ा किया या नहीं, समर्थ रामदास जी को लीजिए, शिवाजी को खड़ा किया या नहीं। शासन तंत्र में दिशाहीनता का शोधक कौन हो सकता है, व्यासपीठ से पुरोधा, व्यासपीठ का अधिकृत व्यक्ति। हम तो कथावाचक हैं, हमको वल्लभाचार्य महानुभावों ने एकांत में आप क्या कहते हैं ये सब हम लोगों का काम नहीं है, दीक्षा देना, कथा सुनाना, हमने कहा हो गया, आपके शिष्य क्या करेंगे, उसमें मध्वाचार्य जी भी बैठे थे, आपके शिष्य क्या करेंगे जब आपको ही अपने दायित्व का पता नहीं है। अरे शासकों पर शासन करने का पद है आचार्य पर। सुनिए, मोदी जी या कोई योगी जी, कोई भी हो, यहाँ के जो भी हो, सुन लीजिए, कान खोलकर, शंकराचार्य का पद शासकों पर शासन करने का है, शासकों पर शासन करने का पद है। सोमोस्माकं ब्राह्मणानां राजा, शासकों पर शासन करने का पद है, सामान्य पद नहीं है। हम अपने स्वरूप को, वैभव को, अधिकार को समझते हैं, इसलिए हमारी भावना के अनुसार करते हैं। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से दर्शन विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य साधकर शासन तंत्र को उद्भाषित करने का प्रथम चरण में भारत में प्रयास हो, नहीं तो किसी शासन तंत्र पर टिकने नहीं देंगे। सीधी बात, हाँ, हम लोगों की भावना के अनुसार ही, सनातन सिद्धांत के अनुसार ही भारत में शासन तंत्र हो सकेगा और बाद में उसकी लहर चलेगी पूरे भूमंडल पर। शासन तंत्र में शोधन का दायित्व आचार्यों का होता है। रबड़ी कचौड़ी खा लेना, चेला चली बना लेना, यहीं तक पद की सीमा नहीं है। क्या अपेक्षित शोधन करना, व्यासपीठ का शोधन, शासन तंत्र का शोधन, दोनों में सामंजस्य, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त सनातन शासन तंत्र की उद्भावना व्यासपीठ का दायित्व है। उस दायित्व को समझकर उसके निर्वाह के लिए हम भगवत कृपा से संलग्न है। हर हर महादेव।